सामने जो आया है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وعدا بين الماء والطين وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين किल्लत वक्त दामनगीर है हुजूर मुनाजिर अहले सुन्नत का खुसूसी खिताब आप हजरात को समाअत फरमाना है। जान है इश्क़े मुस्तफ़ा रोज़ फ़ज़ूं करे खुदा, जान है इश्क़े मुस्तफ़ा रोज़ फ़ज़ूं करे खुदा, जिसको हो दर्द का मज़ा नाज़े दवा उठाए क्यों, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए क्यों, और आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया, और उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल्हम्द दुनिया से मैं मुसलमान गया। अज़ीज़ाने मिल्लती इस्लामिया, आइए हम और आप मिलकर सबसे पहले अपने और सारे जहान के मरकज़े अकीदत बाताए इलाही मालिके जन्नत सरापा रहमत गिरतों को उठाने वाले पैगंबर डूबतों को तैराने वाले सरवर साहिबे इन्ना अअतैना कल कौसर जिनकी शोहरत फर्श पर जिनका चर्चा अर्श पर उसी रसूल हाशमी की मुकद्दस बारगाह में बावाज़े बुलंद दुरूद शरीफ पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रसूल पाक को हमने खुदा का नूर माना है, बोलो सुन्नियों आपका अकीदा है कि नहीं है, मचल के बोलो या रसूल अल्लाह। आपको आज वो खिताब भी सुनना है कि इंशाल्लाह आपकी दुनिया भी समर जाएगी और अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी आखिरत भी समर जाएगी, क्योंकि आज हमारे बीच में सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सैर करने वाला वो खतीब जिसे पूरी दुनिया मुनाजरे इस्लाम के नाम से जानती और मानती और पहचानती है, वो शख्सियत हमारे रूबरू है, आप चेहरे की जियारत भी कर रहे हैं और अभी खिताब भी समाप्त फरमाएंगे। मगर जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। और किसी आशिक ने कहा था जिंदगी अगर जियो तो जियो इस तरह। अल्लाह अल्लाह, आप लोग भी बोलो, आप लोगों की बोलती बंद है इसीलिए बदअकीदों की बोलती खुला है, वरना उनकी बोलती तो मैंने 2016 में बंद कर दिया था, और ऐसी बंद कर दिया था कि आज भी 6 स्टाम पेपर रखे हुए हैं जिसका जवाब आज तक कोई मुल्ला जी नहीं दे सका। आज तक नहीं दे सका, सिर्फ उसकी कमी ये रही थी कि हमारी मस्जिद से ऐलान नहीं हुआ था, अगर ऐलान हो गया होता तो आज मौलवियों की बोलने की जरूरत नहीं थी, मुनाज़रा अहले सुन्नत को आने की भी जरूरत नहीं पड़ती, यही सुन्नी मुसलमान का थी। अल्लाह अल्लाह, तो हजरात मैं कह रहा हूँ जिंदगी गर जियो तो जियो इस तरह, चांद रोशन है सितारों में
चांद रोशन है सितारों में जिस तरह। आओ मैं आपको बताना चाहता हूँ, खिताब तो आप सुनेंगे, मैं आपको बताना ये चाहता हूँ। ये वो शख्सियत है कि 2012 में जब जमहौरा की सरजमीन पर कुछ मुल्ला जियों ने आवाज उठाई तो हुजूर मुनाजिरे अहले सुन्नत ने 22 सितंबर को 2012 में ढकरवा की सरजमीन पर आपने जो अपना कदम रखा हुजूर मुनाजिरे अहले सुन्नत के साथ में बरेली शरीफ व जिला बलरामपुर के शरीफ बलरामपुर शरीफ के उलमाए इकराम भी तशरीफ फरमा थे। हुजूर मुनाजिरे अहले सुन्नत ने ऐसा इन बदाकीदों का खातिमा कर दिया था कि जमहौरा और लखनियापुर से ही नहीं अल्हम्दुलिल्लाह ये गुलाम सगीर लबेदपुर जब गया था तो कफील अशरफ की बोलती बंद कर दिया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। दावे के साथ कह रहा हूँ, मैंने पर्ची लिखी थी हाजी बशीर के लड़के के नाम और मेरे साथ में मौलाना मुहिबुल हक साहब शाहिद है इस चीज के। कफील अशरफ ने वो तकरीर की, कहा कि मैं नहीं कहता हूँ कि सलाम न पढ़ो, सलामुन आला मूसा व हारून, सलामुन आला नूहिन फिल आलमीन। सलाम पढ़ना जब शुरू कर दिया तो देवबंगी भागना शुरू कर दिए थे। 2012 के मुनाजरे से ये मुफाद और ये फायदा और ये रिजल्ट मिला था कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस तहसील की वो मस्जिदें जहाँ पर लोग खड़े होके इकामत सुनते थे, जहाँ पर खड़े होकर सलाम पढ़ने पर पाबंदी थी, चाहे वो नवाज प्रवाह की मस्जिद हो, चाहे वो दुल्ही की सरजमीन हो, चाहे वो लखनियापुर की मस्जिद हो, उस मुनाजिरे से जो वहां भी भाग गए थे उससे यह फायदा हुआ था हजरत की तकरीर से कि आज उन मस्जिदों में जहाँ पर सलाम पर पाबंदी थी, अंगूठा चूमने पर पाबंदी थी, वहां पर सुभान अल्लाह खड़े होके सलात व सलाम पढ़ा। क्या बात है, सुभान अल्लाह माशाल्लाह। 2012 के बाद 2014 में इसी बिलराए की सरजमीन पर जब एक नाजायज मौलवी इस्लामुल हक जहांगीर आबादी ने आवाज उठाई थी, सरकार इमाम हुसैन अली सलातु व सलाम की शान में तौहीन की थी, तो मैंने 2014 में सुन्नी कॉन्फ्रेंस का वो प्रोग्राम करवाया था जिसमें हजरत तशरीफ लाए थे। वो यहाँ से भगा था और उसका मुफाद ये हुआ था कि 2014 में बिलराया रेलवे स्टेशन पर एक जमीन ली गई थी, दारुल उलूम फैजुल इस्लाम नूरी का इदारा कायम किया था। 2015 में हजरत तशरीफ लाए, उसके बाद हुजूर सैयद मीर ताहिर मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह भी तशरीफ लाए थे, उसका मुफाद पूरे इलाके के सुन्नियों को मिला था। लेकिन 2015 में 22 दिसंबर 2015 में इसी सिंगाही की सरजमीन पर मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब कादरी जो बरेली जो है बहराइच शरीफ से तशरीफ लाए थे, बदाकीदों ने एक चिंगारी उठाई, उस प्रोग्राम को कैंसिल किया। उसके शायद हमारे रिफाकत भाई भी मौजूद हैं, सिंगाही के बड़े गुय्यूर मुसलमान हैं, हमारे यासीन भाई भी मौजूद हैं। 3 महीने तक थाना पुलिस सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि जिला लेवल पर मैंने एसपी से बात की, यहाँ के डीएम से बात की, लिखा बड़ी करवाई। हालत यहाँ तक बिगड़ गई थी कि मौलवी महिरुद्दीन पर, मौलवी अब्दुल हमीद कादरी पर, मौलवी अमीरुल हसन पर, मौलवी मुशाहिद रजा पर, कई ऐसे उलमा थे क्षेत्र के जिन पर इन देवबंदियों ने मुकदमा दर्ज करवा दिया था। लेकिन जब मैंने कैबिनेट मिनिस्टर हाजी रियाज साहब को अल्लाह पाक करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए और गरीके रहमत फरमाए, जब एक कैबिनेट मिनिस्टर ने फोन किया था, उस फोन के गवाही भी सिंगाई के लोग मौजूद हैं, उस फोन का यह असर हुआ था कि हम लोगों को बरी किया गया था। और यही वो मौलवी है जो आवाज उठा रहे हैं इन मौलवियों पे मुकदमा दर्ज। रिजल्ट ये आया था कि एसओ संजय सिंह ने कहा था मौलाना महरुद्दीन साहब आप मेरे छोटे भाई हैं, जाओ आप प्रोग्राम भी करवा लो और जो लिखा पढ़ी करवाना चाहते हो वो भी करवा लो। लिखा पढ़ी स्टाम्प पेपर पर लिखी गई थी, आज मेरे पास मौजूद है। अब्दुल कयूम चेयरमैन साहब की मोहर भी मौजूद है। इन्हीं वहाबियों ने लिख दिया था,
कि ना तुम्हारे जलसे में शिरकत करेंगे ना अगल बगल निकलेंगे, 200-400 जो है मीटर की दूरी बनाए रखेंगे, अगर ग्राउंड में आ जाएंगे तो हम पर कानूनी कार्रवाई कर दी जाए। हजरत उसके बाद 26 अप्रैल को 2016 में हुजूर मुनाजिर अहले सुन्नत ने सिंगाही की सरजमीन पर जब अपना कदम रखा और वो सुन्नी कॉन्फ्रेंस का जलसा हुआ, जिसका रिजल्ट ये मिला कि एक दो नहीं ये मुल्ला जी सब बैठे सुन रहे थे और रजा का शेर दावते सुखन दे रहा था, तो एक दो नहीं कई नहीं बल्कि 100-150 वहाबियों ने हाथ उठा के तौबा भी किया था और हजरत के हाथ पर मुरीद। सुभान अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। 2016 के बाद हजरत ने जब आवाज बंद कर दी, बोलती बंद कर दी, तो यही वो कठमुल्ले जो अपने आप को नदवी कहते हैं, अपने आप को मजाहिरी कहते हैं, इन मौलवियों ने तिकुनिया की सरजमीन पर जब अपनी आवाज को बुलंद किया तो मौलाना अब्दुल हमीद साहब ने कहा, मौलाना महरुद्दीन साहब अब मसलक का नुकसान नहीं होना चाहिए, इन्होंने लिखा बड़ी कर दी है, अपनी आवाज उठाना चाहते हैं, इस फितने को दफन कर दिया जाए। मैंने इनको ललकारा था, ललकाने के बाद चार मौलवी इनके, चार मौलवी हमारे और एक आदमी को बंद गुमनाम रखा गया था कि वक्त पर जब तारीख मुकर्ररा पर आप आ जाएंगे तो उस मौलवी का नाम बताएंगे। महरुद्दीन का नाम बिल्कुल छुपा रखा गया था, बताया नहीं गया था, अगर बता दिया जाता तो चोर पकड़ में ना आता, लेकिन जब आखिरी वक्त में बताया गया कि हमारी तरफ से जो है मुतकल्लिम बहैसियत मुतकल्लिम मौलाना महरुद्दीन साहब रहेंगे, आयते मुनाजरा ये तय करेंगे, दावत मुनाजरे की जो तुमने दी है इन्होंने कबूल किया है, तारीख का तायुन होगा, इलाकाई सतह पर अगर मुनाजरा होगा तो गुलामे सगीर मोहम्मद महरुद्दीन काफी है। अहमद प्रधान अमीर खापुरवा के वो गवाही है, इन्हीं मुल्ला जियों ने कहा था कि हम मौलाना महरुद्दीन साहब से बात नहीं कर सकते, ये हमारे बुजुर्गों को नाम ले लेके गाली देते, इस फितने को दफन कर दिया गया था और कहा था इन मौलवियों ने कि अब ना अपनी आवाज उठाएंगे, ना मुनाजरा करेंगे और ना कहेंगे, ना कभी ऐसी आवाज को बुलंद करेंगे। हजरात बड़े अफसोस की बात है, गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अनहु की तोहीन की जाती है, सुन्नी बकरा जिबा करता है, खर्च करता है, पिंडाल का इंतजाम करता है, गौसे आजम के नारे लगाता है, गौसे आजम के बकरा जिबा करने वाले आज कैसे खामोश है, गौसे आजम की इज्जत पर हमला करने वाला दो पैर का जानवर जो नामूसे गौसे आजम पर हमला कर रहा है कैसे खामोश हो, वो गौसे आजम जो रात भर इबादत करके तुम्हारे लिए दुआएं मांगते थे, आज गौसे आजम की गाली पर एतराज करने वाला वो बदअकीदा सवाल कर रहा है, रबी उन नूर के जुलूस पर वो सवाल कर रहा है, जिस आवाज को 2012 से लेकर 2019 तक दफन कर दिया गया था, कैसे वो आवाज बुलंद हो गई। तो मैं कहूंगा ये उसका कसूर नहीं, ये हमारा कसूर है, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, जीना है इस दौर में तो कोहरा मचा दो, वादी रजा की कोहे माला रजा का है, जिस तक तो देखिए वो क्या बात है, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उस लगे आला हजरत, फैजाने आला हजरत, तहफुजे नामुसे रिसालत, क्या बात है, वाह वाह, बात समझ में आ रही, क्योंकि हमारी तकरीर देवभंगी भी बड़ी गौर से सुनते हैं, उन्हें मालूम है, लेकिन मैं दुआ करता हूँ इन्हीं बातों से आपसे कहकर रुखसत हो रहा हूँ कि हजरत का नूरानी खिताब आपको समाप्त करना है। मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे दुश्मन तेरे, मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे दुश्मन तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा, और क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है, और लाडिला
बेटा तेरा, वाह क्या मर्तबा, ऐ गौसे बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। हजरत मैं इन्हीं बातों के साथ आपको बता के रुखसत होना चाहता हूँ। दोरंगी छोड़ दे, दोरंगी छोड़ दे, एक रंग हो जा, मोम हो जा या संग हो जा, उल्फत से उसे हमने शरशार नहीं देखा, जन्नत का उसे हमने हकदार नहीं देखा। और आ जाए जो कभी सुन्नी के मुकाबले में, हमने वहाबी को तैयार नहीं देखा। क्या बात है बाबा। अगर मेरी आवाज उन मल्लाजियों तक पहुंच रही हो तो सुन ले, जो तहरीर लिखी है उसका जवाब उलमाए अहले सुन्नत की जानिब से पहुंच चुका है। उसका जवाब दे, जवाब दे, जवाब देना पड़ेगा। बड़ी गौर से सुन रहा था जमाना, मगर हम ही थक गए। दास्ता कहते कहते मैं सो जाऊं, या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख, सल्ले अला कहते कहते अफदलुल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सब लोग पढ़ने कलमा शरीफ, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब, यानी महबूबो मुहिम, नहीं मेरा तेरा फर्श वाले, तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।